हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज 2nd जुलाई 2021 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसा कंपनी जिसका लास्ट ईयर पे एक ही साथ पे आईपीओ आया था और ये दोनों ही स्टॉक के अंदर आज की डेट में भारी भरकम तेजी देखने को मिला, स्पेशली रूट मोबाइल के अंदर। क्या न्यूज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। और साथ साथ हैप्पीएस्ट माइंड एंड रूट मोबाइल, ये दोनों ही स्टॉक के अंदर आपका आगे का क्या रणनीति हो सकता है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, आज 2nd जुलाई 2021 और आज से ठीक एक साल पहले एक साथ दो दो कंपनी का आईपीओ मार्केट के ऊपर लिस्ट हुआ था। सबसे पहले रूट मोबाइल और उसके साथ साथ हैप्पीएस्ट माइंड। तो आज के दिन के अंदर दोस्तों, ये दोनों ही स्टॉक के अंदर हमें काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिला, स्पेशली रूट मोबाइल के अंदर। आज एक ही दिन के अंदर आप देख सकते हो शेयर ने लगाया 350 पॉइंट के ऊपर जंप, और जो परसेंटेज वाइज अप्रॉक्सीमेटली 20% के ऊपर अपर सर्किट लग गया था लास्ट कुछ टाइम से, बट क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे आके दिया। अप्रॉक्सीमेटली 19-20% के आसपास ही आज की डेट पे हमें जम देखने को मिला। तो ऐसा क्या न्यूज़ आया है जो रूट मोबाइल के अंदर इतना ज़्यादा उछाल देखने को मिला आज एक ही दिन के अंदर? चलिए सबसे पहले हम न्यूज़ को कवर करते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन करेंगे, क्या सपोर्ट लेवल, क्या टारगेट हो सकता है। दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। उसके बाद हम हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं आ चुका हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट में। ये न्यूज़ है आज की डेट पे, यहाँ पे आप देख सकते हो 2nd जुलाई 2021 ठीक सुबह 11 बजे के आसपास ये न्यूज़ है, जिसके कारण ठीक 11 बजे के बाद से हमें रूट मोबाइल के शेयर के अंदर हमें इतना ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला। तो न्यूज़ का हेडलाइन आपके सामने है, रूट मोबाइल सर्च 10%। ये न्यूज़ जब पब्लिश हुआ था तब 10% का जंप लगा चुका था। ऑन एक्यूरेशन ऑफ ईमेल टेक्नोलॉजी 20 फ्रॉम सर्फ। सर्फ एक ईमेल टेक्नोलॉजी जो कंपनीज है। चलिए नीचे चल के और भी डिटेल में न्यूज़ हम पढ़ते हैं। देखिए, शेयर ऑफ रूट मोबाइल सर्च 10%, फिलहाल लास्ट में तो 20% भी जंप देखने को मिला। ऑन BSE इन इंट्राडे ट्रेड ऑन फ्राइडे आफ्टर द कंपनी अनाउंस्ड द साइन इन ऑफ डेफिनेटिव एग्रीमेंट टू एक्वायर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन ईमेल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सेंट क्लीन फ्रॉम सर्व। जी हाँ दोस्तों, सर्व नाम का जो ये कंपनी है इसको एकदम पूरा का पूरा एक्वायर कर लिया है कौन? रूट मोबाइल ने। देखिए, वेब्स प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट में इसको सर्व बोलते हैं, SARV सर्व। द स्टॉक हैड हिट 52 weeks हाई ऑफ 1979। फिलहाल तो अभी 2000 के ऊपर भी पहुंच चुका है आज एंड में 20% की अपर सर्किट के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो न्यूज़ आया है कि रूट मोबाइल ने सर्व नाम की कंपनियाँ जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन ईमेल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट, ये कंपनी को पूरा का पूरा एक्वायर कर लिया। और कोई भी नया कंपनी को एक्वायर करना और नया सेक्टर में बिजनेस स्टार्ट करना, ये ऑब्वियसली हर कोई कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ होता है, और स्पेशली शेयर होल्डर के लिए तो और भी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़। रूट मोबाइल के ऊपर अगर हम बात करें तो रूट मोबाइल कौन कौन सा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर देखा जाए ये रूट मोबाइल और हैप्पीएस्ट माइंड दोनों ही सेम सेक्टर से बिलोंग करता है, IT सेक्टर में, बट अलग अलग सेगमेंट पर दोनों कंपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। रूट मोबाइल यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रूट इज़ वन ऑफ द लीडिंग क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर टू एंटरप्राइज ओवर द टॉप, मतलब OTT प्लेयर्स आज की डेट पे, मतलब OTT प्लेटफॉर्म आज की डेट में कितना ज़्यादा डिमांडिंग चल रहा है हम सभी को मालूम है। मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर, द कंपनीज पोर्टफोलियो कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन इन मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल, SMS, फिल्टरिंग, एनालाइज एंड मोनेटाइजेशन, ये सारे सर्विस दोस्तों कंपनी प्रोवाइड करते हैं। यानी कंपनी दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा है, और उसके साथ साथ अभी ये और एक नया कंपनी को एक्वायर किया है पूरा का पूरा, जिसका इफेक्ट हमें आगे इन फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करेंगे रूट मोबाइल के अंदर आपका रणनीति क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें रूट मोबाइल का RSI इंडेक्स, दोस्तों आज एक ही दिन के जंप के बाद ये पहुंच चुका है हाईली ओवरबॉट जोन पे 79.46। हो सकता है कि इसके अंदर और एक दो दिन तेजी रहे, बट यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे आप वेट कीजिए, अभी आप खरीदारी मत करना, ये तेज़ी के पीछे मत भागना। हमेशा मैं इस चैनल के ऊपर आप बोलता हूँ, आप अगर रेगुलर फॉलो करते हो इस चैनल को आपको याद होगा कि जब भी शेयर कंसोलिडेट फेज में चलता है,
हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए, शेयर बेचने का जैसे कि एक टाइमिंग है, शेयर खरीदने के बाद भी जैसे कि आपको वेट करना पड़ता है, वैसे ही शेयर खरीदने से पहले भी आपको वेट करना पड़ता है सही प्राइस के लिए। तो सही प्राइस क्या है, देखिए शेयर प्राइस में जब लास्ट टाइम तेज़ी आया तो उसके बाद देखिए शेयर में यहाँ पे करेक्शन हुआ एंड एक लंबा पीरियड कंसोलिडेशन फेज में चला। ठीक यही सेम टू सेम इसी टाइम में आपको एंट्री लेना था कोई भी शेयर के अंदर, राइट। तो अभी शेयर में देखिए यहाँ पे फिर से तेज़ी आया और इस बार जब तेज़ी आया जो इसका लास्ट हाई था, प्रीवियस हाई था कितने पे था, 2000 का लेवल, वो क्रॉस करके अब ऊपर चला गया। यानी मैं आपको बोलूँगा कि रूट मोबाइल के अंदर आपको अगर पोजिशन बनाना है तो 2000 रुपये के आसपास कोई भी रुपये कोई भी प्राइस मिले उसके अंदर आप निवेश करना। बट फिलहाल मैं आपको बोलूँगा कि अभी आप थोड़ा सा वेट करें क्योंकि शेयर दोस्तों बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूड हो चुका है। तो जिस कारण आपके पास अगर शेयर है तो यहाँ पे आप आग बंद करके होल्ड कर सकते हो, यहाँ पे सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आग बंद करके इसके अंदर आप होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, आउटस्टैंडिंग कंपनी। बट अगर आपको खरीदारी करना है तो फिलहाल आप होल्ड करें। जब शेयर प्राइस ठीक करेक्ट होते ओके ओके यहाँ पे 2000 के आसपास आएगा क्योंकि लास्ट टाइम भी हुआ था, शेयर जब भी तेज़ी होता है तो उसके अंदर करेक्ट जरूर होगा, ये तो एक बेसिक सा रूल है, ठीक है। तो जब करेक्शन होगा उसके बाद ही आप इसके अंदर एंट्री लेना। तो ये तेज़ी हो सकता है कि आगे एक दो दिन और भी रह सकता है, बट यहाँ पे आप एंट्री मत लेना क्योंकि अगर हम बात करें इसका डिलीवरी रिपोर्ट, यहाँ पे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग देखने को मिला, टोटल नंबर ऑफ ट्रेडिंग देखिए वो है 85 लाख के ऊपर, बट डिलीवरी का परसेंटेज देखिए बहुत ही पुअर है, 11% के आसपास, जिस कारण मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी आप थोड़ा सा होल्ड कर जाइए। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छा है, थोड़ा सा वेट कर जाइए, शेयर में जब करेक्शन आएगा तब आप इसके अंदर निवेश करना। दोस्तों रूट मोबाइल के साथ साथ लास्ट ईयर पे हैप्पीएस्ट माइंड का भी आईपीओ आया था, दोनों ही कंपनी आउटस्टैंडिंग रिटर्न दे चुका है एक साल में। तो चलिए अब हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर, बट उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। तो दोस्तों रूट मोबाइल की तरह हैप्पीएस्ट माइंड ने भी आज की डेट में अपना ऑल टाइम हाई टच किया 1247 रुपये पे। फिलहाल शेयर क्लोजिंग दिया तो 3.5% के ऊपर जंप लगा के, बट बीच में ये शेयर पहुंच गया था 5.5% के ऊपर, मतलब 1200 रुपये के ऊपर जाके 1245 पे आज अपना 52 वीक्स हाई भी टच किया। ये शेयर भी आउटस्टैंडिंग शेयर है, कुछ टाइम पहले न्यूज़ आया था कि जो 25th टोटल 25 कंपनी में से यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड को टोटल इंडिया के अंदर 21st रैंक मिला है, ठीक है 21 रैंक मिला है, तो ये काफ़ी अच्छा खासा पॉजिटिव न्यूज़ का। उसके साथ साथ दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर अभी बहुत ही शानदार हमें लास्ट कुछ दिनों से जम देखने को मिल रहा है। आप अगर इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो दोस्तों आपको याद होगा जब शेयर प्राइस 900-950 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक इसी पोजीशन पे मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तभी मैं आपको बार बार बताया था कि शेयर को आप इग्नोर मत कीजिए, फटाफट शेयर को उठाइए वरना ये बाद में जाकर आपको महंगा पड़ सकता है। तो जो लोग उस टाइम पे शेयर को उठाया था वो लोग आज के पटाए बस कुछ ही दिनों के अंदर 20-25% का आराम से प्रॉफिट मिल रहा है, ज़्यादा पुराना बात नहीं, एक दो हफ्ते के बाद ही देखिए इतना शानदार जंप देखने को मिला। अब जो इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है कि बहुत लोग यहाँ पे पेशेंस खो देता है कि क्या सर अभी निवेश कर दूँ बाद में हो सकता है शेयर प्राइस और महंगा हो जाए। नहीं दोस्तों, हमेशा आपको सही शेयर जैसे चुनना चाहिए, राइट, सही शेयर को चुन के उसके अंदर निवेश करने के बाद होल्ड जैसे करना सही है। उसके साथ शेयर के खरीदने से पहले भी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए सही प्राइस में उठाने के लिए, क्योंकि देखिए आज की डेट पे ये शेयर आपको 1200 रुपये में मिल रहा है, राइट। अब ये शेयर हो सकता है करेक्शन के बाद ये 1000 या 1050 में भी आ सकता है, तो अगर 100 पॉइंट नीचे आता है तो आपका ही तो फायदा हो क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें जब शेयर प्राइस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बढ़ते बढ़ते समझ लीजिए 10,000 पे चला जाएगा, तब एक परसेंटेज का डिफरेंस हो जाएगा, जिसके कारण जैसे कि शेयर खरीदने के बाद भी आपको होल्ड करना पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए, वही सेम चीज़ दोस्तों शेयर खरीदने से पहले भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है आपको सही प्राइस में उठाने के लिए। फिलहाल अगर देखा जाए शेयर का RSI इंडेक्स दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूड हो चुका है, देख सकते हो ओवरबॉट जोन पे चल गया है। तो फिलहाल आपको यहाँ पे होल्ड यहाँ पे वेट करना ही सही रहेगा क्योंकि शेयर का अगर हम मोमेंटम की बात करें तो देखिए पहले जंप आता है उसके बाद ये हल्का करेक्शन कंसोलिडेशन फेज, जंप करेक्शन कंसोलिडेशन फेज, जंप करेक्शन कंसोलिडेशन फेज, जंप हल्का कंसोलिडेशन फेज, फिर देखिए जंप। अब जब जंप आया यहाँ पे हल्का करेक्शन आ सकता है, इस बार अगर करेक्शन आया तो शेयर प्राइस मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है कि 1000 या 1050 तक ही आ सकता है। तो ये जो लेवल्स है मैं आपको जो बता रहा हूँ 1000 रुपये से 1050 रुपये ये लेवल्स के अंदर आपको हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर मिले तो यहाँ पे बिना किसी डाउट के बिना किसी वेट के फटाफट शेयर को उठा लेना। बट इसी लेवल पे आप मत उठाना क्योंकि अभी शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए शेयर को सही प्राइस में आने के लिए। और अगर हम बात करें
तो यहाँ पे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। एनएससी के ऊपर अगर हम डिलीवरी रिपोर्ट चेक कर दोस्तों, बहुत ज़्यादा आज की डेट पे इंट्राडे ट्रेडिंग देखने को मिला। देखिए 2.5 करोड़ के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ है, जिसके अंदर हमें डिलीवरी देखिए बहुत ही लो डिलीवरी का परसेंटेज, 9 के आसपास। 10 के ऊपर अगर बोल होते तो ठीक है चलिए, बट 9 के आसपास डिलीवरी हो रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग हो रहा है, जिसके अंदर हमें सीधा सीधा संकेत मिलता है कि शेयर के अंदर कभी भी नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक पे हमें इसके अंदर अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है। तो हमेशा आपको करेक्शन में निवेश करना चाहिए और करके लॉन्ग टर्म के लिए चुपचाप होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को यही पे वन टैप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।